इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। कयामत भी क्या चीज है, ना दस्तक ना आगाज। जब मन की असर उठा के आ जाती है और सब जलाकर राख कर देती है। कई साल पहले आई थी एक बार, चिले कलान की रात, सब और सन्नाटा, जैसे जन्नत कफन की चादर ओढ़े सो रही थी। निजामी, नूर निजामी, निजामी के बच्चे, सुन, दो दिन से अरब में एक बूंद तक पानी नहीं गया। मुझे अभी के अभी कुछ खाने को चाहिए। खुदा कसम, तुझे पढ़कर खा जाऊंगा। और सुन, भागने की कोशिश मत करना, फिसूल में मारा जाएगा।
पांच लोग थे, तीन को वहीं बॉर्डर पे काट डाला आर्मी ने, बचा एक कुत्ते को लगा तो मुखबिर बन जाएगा तो बच जाएगा। तो सब से ढूंढ निकाला गद्दार को, आंख निकालती अब एक आंख से जन्नत देखेगा उम्र भर, या कोई ऐसी महफूज जगह जो रात गुजार सकूं। औजार का डब्बा देना। उरा। आश। या अल्लाह, तो सर्दी भी तशरीफ ले आई है। तो रात पर था कहाँ कल? हाँ, इंतजार करा करा के सुला दिया तूने। वो मैंने भेजा था जुआ, टूल शेड से औजार लाने। बर्फ में फंस गया था आपा। हाँ, काम कर करके बड़ा ताजमहल जो खड़ा कर दिया तुम दोनों चेले उस्ताद ने। एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन तैयार हुए कि नहीं? हाँ? बना तो रहा था, दिखा। तुम लोगों के जो जी में आए करो, मेहरबानी करके जरा घर जल्दी आ जाना, ईद की सारी तैयारी बाकी। अरे संभल के जाना जुआ, शहर में हालात ठीक नहीं है। क्यों करता है ये सब? जानता है आपा परेशान होती है, कब तक मेरे कांधे से बंदूक चलाएगा? खुदाया नूर, ये सब तुमने बनाए हैं? दिखाया क्यों नहीं जब पूछ रही थी? इस बार मुझे मोटी ईद ही चाहिए आपसे, कंजूसी मत करिएगा। कल खान मोहल्ला जिले में सेना के साथ गोलीबारी में तीन मिलिटेंट मारे गए। इस आतंकी गुट का कमांडर मौसम भट्ट अभी तक फरार है। उधर लाल चौक में झंडा लहराने के बाद सरहद पार से आतंकी गतिविधियां और बढ़ गई है। आर्मी हाई अलर्ट पर है, जगह जगह पे। बेगम ने हवेली पे बुलाया है, छत की मरम्मत करनी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेगम की मेहरबानी रही तो सर्दियाँ चैन से गुजरेंगी। शिकार अभी बस शौक ही चल रहा है इस साल। इन जनाब को भी लेके जाइएगा, थोड़े बर्फ के गोले तोड़ेंगे तो इनकी गर्मी निकलेगी, मिजाज काबू में आएगा। बेगम बड़े दीवान साहब की बेटी थी, परी से भी ज्यादा हसीन। माँ उनकी लखनऊ से थी, कई साल पहले एक अफवाह उड़ी, हवा की तरह आई और आग की तरह फैल गई, किसी की नजर लग गई इस घर को। बेगम बहुत कड़क मिजाज की है, किसी भी किस्म की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम से मतलब रखिएगा, माफी सलाम दोनों जेब में, कोई पूछे तो फट से दीजिएगा। शहर में तो लोग कहते हैं अंदर भूत बलाएं भी रहती हैं, भूतों से बच के रहना नूरा, बड़े लोग हैं,
जुनैद क्या हुआ? इंतजार कर रही है। अम्मी ने अंदर बुलाया। आते हैं बस दो मिनट। आप नहीं, आप आराम फरमाएं। सिर्फ वो मेरी गुलाल। क्या गुलाल? भूल जाओ उसे, गलती से भी किसी से कहना मत, आना जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। इतनी खूबसूरत है आप, इतनी मीठी जुबान कहाँ से पाई? इतनी नहीं, इतनी। आंखें काबू में रखो, जुबान अपने आप मीठी हो जाएगी।
क्या नाम बताया फिरदौस जनाब का? नूर। हूर जनाब क्या करते हैं आप? क्या कर सकते हैं? हूर नहीं, नूर। क्या करना होगा? हमेशा कमबख्त यहीं आके रुक जाता है। गाना गा सकते हैं? कुछ गा के सुनाइए, ऐसा कुछ जो रूह को छू जाए। बहुत दिन से रोए नहीं है हम। बुम्बुरो बुम्बुरो श्याम रंग बुम्बुरो 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 श्याम रंग बुम्बुरो क्या झुक चूत ना लानो हो हो। माशाल्लाह फिरदौस, कहाँ से ढूंढा इन्हें आपने? उस्ताद नूर खान साहब, आप तो हीरे निकले। और क्या क्या करना आता है आपको? घोड़ों की सवारी करनी आती है जी। घोड़ों को चारा डालना तो आता है। तो कल से आप हमारे अस्तबल की देखभाल में लग जाइए। मन लगा के काम करेंगे तो अच्छा खासा मुआवजा भी मिल जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपके गाने से घायल होकर हम आपको काम दे रहे हैं। फिरदौस को आपके जूते पसंद आए और उनको हम ना नहीं बोल सकते। फिरदौस का दिल भी लगा रहेगा, पर आप दिल मत लगा बैठिएगा। ये आपके हंसने कूदने के दिन है नूर, चोटे खाने के लिए जिंदगी बाकी है। जाते वक्त कलीम से अपनी पेशगी की रकम ले जाना। अब आप इस रियासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत। कल से कुछ ढंग के कपड़े पहन के आइएगा। जूतों से आगे और भी जहां है जनाब जी। खुदा हाफिज। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वैसे भी बैठे बैठे दीमक लग रही थी इनकी टांगों में। अब कुछ भी करके उन्हें खुश रखना है। सुन रहा है ना, इस बार कुछ अटरम शटरम मत करना। बेगम चाहे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कुछ छोड़ा नहीं तुम्हारे लिए। हर साल आ जाते हो हमारी सालगिरह पे राल टपकाते हुए। अब एक मेहरबानी करो, अपने तशरीफ का टोकरा लो और दफा हो यहां से। बेच दीजिए आपा, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। जागीरदार साहब, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। सठिया गई है अधेड़ उम्र में, आधी से ज्यादा जायदाद गहनों में जाया कर दी है। तो सॉल्स भेज देना चाहिए उन्हें, ऐसे के ऐसे ले। नो समीरा, दिस जैक शिट वी कैन डू। चौदह अक्टूबर 3:10 आज का दिन और वक्त याद रखना। आज हमने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। अगले हफ्ते हमारी सालगिरह है, तुम्हें भी आना होगा, भूलना मत। रोना बंद करो नूर, इट्स बैड मैनर्स। पसंद आया उसे? जी अम्मी। देखा मैंने, सूंघता ही रह गया। संडे को बुलाया है।
बेटे जान यूं तो कयामत आ जाएगी और ऐसे आपके कपड़े भी तय नहीं हो पाएंगे। वैसे भी अगर उकसार को पता चला तो पता नहीं क्या हशर करेगी हम दोनों। आप डरते बहुत हो आपस में, ये सब काम जल्दबाजी में नहीं होते। फिरदौस की सालगिरह है जून जून, आपका जीरी मेरा नहीं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو Firdaus? Firdaus? अब आ रही है नूर मियां। सालगिरह तो कल थी, अब अगली पे इंतजार करेगी फिरदौस तुम्हारा। कहाँ है फिरदौस? फिरदौस, फिरदौस, फिरदौस। कर फिरदौस पर रूए जमीन अस्त, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्त। कैसा कमजोर वक्त आ गया है। सबको इस जन्नत के छोटे छोटे हिस्से चाहिए। फिरदौस को लंदन भेज दिया है पढ़ने, ये कोई जगह नहीं है उसके बड़े होने के लिए। आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, उसका वैसे भी दम घुट रहा था। अब तुम भी हांफना बंद करो, हर चीज जो आंखों से दिखती है उस पर यकीन नहीं करते। दिल की सुना करो नूर मियां, पर अब वो तुम्हारा कहां रहा? वो तो तुम लुटा बैठे, मना किया था हमने। टूट गया ना ये इश्क, नहीं आसा नूर मियां। या तो डूबोगे या तैर के निकलोगे। फिरदौस के काबिल बनना है तो कुछ बन के दिखाओ। इतना आसान नहीं उसको दुनिया में दाखिल होना, जान लड़ानी पड़ेगी। और अब तुम बच्चे नहीं रहे, रोना बंद करो और घर जाओ। बाहर माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। जिंदा रहना नूर, मुर्दा तुम किसी काम के नहीं, ना फिरदौस के ना हमारे। बस यूं ही अचानक सब खत्म हो गया। बेगम की बातें मेरे अंदर सन सन घूमने लगी थी, जैसे एक खाई खुल गई हो और मैं यकायक गिरता चला गया, काली गहरी खाई।
इतनी काली कि मेरी चीखें भी मेरे अंदर फौत हो रही थी। दिन महीने सालों में बदल गए। मैं उसे अपने दिल से निकाल ना सका। अपने दिल को तो मैं जोड़ नहीं पाया, पर हर जर्रे हर लपटे में उसे ढूंढ तो सकता था। वो जो कहीं नहीं थी, वो जो हर जगह थी। बाकी कल कर लेना, घर जाके कुछ खा लेते हैं। रात को शेड पे ही सोऊंगा। जीजू, जुनेद से इतनी बार कहा, कलीम के हाथ किताबें भी भिजवाई, तुम एक बार भी मिलने नहीं आए। जी, दुकान के काम में मसरूफ हो गया था। इतना दर्द कैसे ले आते हो अपने काम में? तुम्हें देखते ही पहचान गए थे हम। हमने भी अपने वक्त में बहुत हीरे तराशे हैं। आज अच्छा दिन है, आज तुम्हारी बोनी होनी चाहिए और हम तुम्हारे पहले खरीदार होने की खुशनसीबी चाहेंगे। पहली कमाई है सर आंखों पर रखना। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू। बिस्मिल्ला। फिरदौस की कोई खबर बेगम खाना? कभी हमारे भी हाल पूछ लिया करो। फोन आया था फिरदौस का दिल्ली में, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई, अब बहुत कुछ है उसे बताने को। नूरुद्दीन निजामी, उम्र 23 साल, एक खुशखबरी है, इन्हें एक बहुत ही प्रेस्टिजियस आर्ट स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। आर्ट फॉर फ्रीडम यंग इंडियन आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, इनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। बस एक छोटा सा क्लॉज है, इन्हें दिल्ली जाकर एक रेजिडेंसी प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। हर महीने इनको अलाउंस मिलेगा, बाकी खाना पीना रहना ये सब खर्चे मेरे क्लाइंट के जिम्मे। आपके क्लाइंट कहीं बेगम तो? क्लॉज 5, ये बताने की छूट मुझे नहीं है। मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू हो। मैं ही क्यों? मुझे क्यों चुना गया? ऊपर वाले की मर्जी समझो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेडी लक, और हिंदी में किस्मत। See you in Delhi then. पर जुंजुजू मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? यहां कुछ नहीं रखा बच्चे, बैठे बैठे खाक हो जाएगा। तू जा,
वो खुद तेरे लिए रास्ता बना रहा है, तू और उससे जंग मत कर। घर फिर दोस्त बन रूह ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो मेरी जान रूह दिल से वापस्त हमीयस्तो हमीयस्तो जुंजीजू की दुआएं लग गई मुझे। अब ये खुदा की रहमत थी या फिर बेगम की दिल लगी, पर मुझे मेरा मकसद मिल गया था। जैसे जिंदगी ने सर उठा के कहा कि ये दुनिया तुझसे मुख्तसर होना चाहती है, हाथ बढ़ा रही है, जा मिला ले हाथ। लैंडलॉर्ड से बात हो गई है और एक साल का किराया ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है। कल से तुम्हारी आर्ट रेजिडेंसी शुरू। लीरा बेकर, जो यहां की बहुत बड़ी क्यूरेटर है, शील बी इंचार्ज होगी, बाकी वो तुम्हें समझा देगी, ठीक है? जी। Morning. Sorry for all the noise last night. Some breakfast? Noor, right? Hi. Arif. Arif Peer Boy. Come join us. Jagirdar ne bataya tha tum aane wale ho. Please have a seat. So, artist, huh? I dabble a bit in it myself. छोटा मोटा कलेक्शन है, मोस्टली न्यू गाइस। आजकल किस पे काम कर रहे हो? फिलहाल तो ढूंढ ही रहा हूँ। किसे? अपने आप को। नॉट बैड, मतलब फुल ऑन एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तुम श्रीनगर से हो, राइट? हर हाइनेस बेगम हजरत जहान, सगी खाला है मेरी। ये बेगम और तुम्हारा क्या इक्वेशन है भाई? शी इज अ पीस ऑफ वर्क, बच के रहना उनसे। वैसे ऊपर का फ्लोर भी मेरा ही है, तुम यहाँ आराम से काम कर सकते हो। इट्स एन ओपन हाउस, फील फ्री। आरएफ, आई एम गोना कैंसिल माय योगा टुडे। आई कांट डू इट, आई जस्ट कांट। और आपका भी कश्मीर आना नहीं होता? उस भूतिया घर में कौन जाएगा? सबको उठा के फेंक जो दिया है। एक चीज बता, कोई कितना अकेला रह सकता है? उनको समझना इतना आसान नहीं है। मैंने देखा उनका दिल, काफी करती हैं वो सबके लिए। You mean तेरे लिए? I'm just messing with you. तो आज का क्या प्लान है? लीना बेकर से मीटिंग है और LBG गैलरी में। Ah, not bad. आते ही चौका। सेटल हो गए? हाँ। स्टूडियो अच्छा लगा? हाँ। जो तस्वीरें तुमने भेजी थी मैंने देखी, इंटरेस्टिंग है कुछ कुछ, बट योर वर्क नीड्स प्रेजेंटेशन, इट नीड्स स्केल एंड इट नीड्स कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट्स वेयर वी कम इन। इंडिया आर्ट समिट होने वाला है एट द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ और तुम्हारा पहला काम वहीं पे एग्जिबिट होगा। दिस इज योर स्पेस, फिल इट अप, यू हैव 6 weeks। नर्वस? गुड, जूते खिस जाते हैं यहां तक पहुंचते नूर। फ्रॉम हियर ऑन देयर आर नो शॉर्टकट्स। डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। ओके, वेलकम टू दिल्ली।
गुड लक। लीना द टफ कुकी नो। गैलरी जाके दिमाग फट गया, डर तो लग रहा है, देखते हैं करेंगे कुछ। That's the shit, man. जो अंदर है वो ही दिखा। To the future. क्या अब तक है तुम्हारे पास? पागल हो तुम। इसमें पागल का क्या है? अमानत है मेरी, जिसे तुम्हारे जेवर नहीं होते। तब हम दोनों छोड़े थे। या मर गए कोई फर्क पड़ता है कि नहीं तुम्हें फिरदौस? क्या हुआ, क्या बात है? मर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है, खास खास के गले की नसें फट गई हैं। मैं एक दो दिन में आती हूँ। अब सीधे मैयत पे ही आना हमारे। तुम अब 6 साल की बच्ची है क्या? आ रही हूँ। कौन था? Work call. I have to go. अभी? Mm-hmm.
सब ठीक है? कब मिलेंगे आप? I'll call you. She's a lucky girl, Noor. She's totally going to love it. I'm heading out, Noor. तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है, यहाँ रख रही हूँ. हाँ, bye. नूर, मैं जा रही हूँ. समझो जाना पड़ रहा है. पता नहीं अब कब मिलेंगे और पता नहीं हम मिले भी तो क्यों. इतना पता है कि तुम्हारे साथ बिताए ये कुछ महीने मैं हमेशा याद रखूंगी. अम्मी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में. मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि तुम बड़े हो गए हो. हम कभी बड़े होंगे नूर. कुछ चीजें हम चाह के भी बदल नहीं सकते और फिर बदल के खुश भी तो नहीं रह सकते. तुम्हारे लिए दुआ करके जा रही हूँ. You're better than the best. मन लगा के काम करना. Dazzle them with your shine. Your time is here. अलविदा नूर. जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे. हेलो नूरा, मेरे बच्चे, मेरी जान. अब सोचो, जागीरदार से मुझे पता चल रहा है कि तुम श्रीनगर आए हो. घर कब आ रहे हो? एक छोटा सा काम है, बस वो निपटा के आता हूँ. ठीक है ठीक है, शाम को मिलते हैं. मुझे शहर की एक एक खबर चाहिए, बस तू जल्दी से आ जा. जी जो आता हूँ. कौन है वहां? नूर. सलाम अलैकुम. मैं लग ही रहा था तुम आओगे. मन नहीं लग रहा था ना शहर में अकेले. घर की याद आ गई. जी बस घर ही जा रहा था मैं, सोचा आपसे मिलता चला जाऊं. जनाब आए हैं बेगम से मिलने. फिर दोस्त से मिले, कैसी लगी? है ना हूर से भी हसीन. नूर के हूर, उसी से मिलने आया हूँ. बुलाओ उसे. फिरदौस, संभल के नूर, बिलाल आ रहे हैं. फिरदौस की अपनी पसंद थी, हम करते भी तो क्या. हाय नूर, कैसे हो? कब आए दिल्ली से? मिलते हैं थोड़ी फुर्सत में. चलिए अम्मी, भारी दोपहर का वक्त है. डॉक्टर साहब ने आराम करने को कहा है. तुम ऐसे ही चली आई फिरदौस? आना पड़ता है, जिंदगी है, किसी के लिए रुक तो नहीं सकती. हाँ
हर चीज का एक तरीका होता है। ये क्या पल में माशा पल में तोला? What's your problem, Noor? क्यों आई तुम मेरे पीछे? क्या देखने आए हो? मैंने कहा follow me for the rest of your life. हद हो गई। और अम्मी, अब दिन ब दिन हुक्का पीना बंद करें आप। दवाइयों का असर कैसे होगा? बताइए। ये कमजोर दवाइयाँ जान भी तो नहीं लेती आसानी से। शायद अफीम ही ले ले। नूर, अब क्या करोगे? घर जाओगे? घर जा रहे हो तो हमारा एक काम करना। वो पिछले जाड़े के जुनैद के कुछ पैसे पड़े हैं हमारे पास, 2,300 रुपए। जाते वक्त वो कलीम से ले जाना। हटो। बेगम ने मुट्ठी बंद कर ली और वक्त वहीं का वहीं रुक गया। किसकी सजा मिल रही थी मुझे? किसने इस घर का दिल बुझा दिया? कौन सी कहानी दोहरा रहे थे हम? पागल कर दी गई खुशबू हमें। सब और नजर मत लगाइए, जल्दी कुछ जादू दिखाइए वरना भंवरे उड़ा के ले जाएंगे आपकी खुशबू को। अब उसे छोड़, ये देख पन्ना कितना प्यारा लगेगा तुझ पे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ तो सलमान, कब तक रुके आप लोग? अबू तो रुकना चाहते थे पर इलेक्शन के काम से जाना पड़ा। बस हम एतवार को लंदन निकल रहे हैं और फिर वहां से इस्लामाबाद। ठीक है। वो निकाह की खरीदारी के लिए हजरत को लंदन ले जाना चाहते हैं। भाई अब खुद ही पूछ लो तुम, हजरत तो चील पे सवार रहती हैं। कब तक ऐसे मिलते रहेंगे मुफ्ती? कितना झूठ बोलेंगे? किस किस से झूठ बोलेंगे? सारा दिन सांस फूली रहती है। आप पकड़े गए थे तब? हालात मुश्किल जरूर है, ना उम्मीद नहीं। निकाह तो करना है ना हजरत, आज नहीं तो कल। हजरत हमारी छाप है, वो हमारी पसंद जानती है, समझती है। और फिर पड़ोस में तो जा रही है। भेज तो देंगे उसे, पर रह पाएंगे आप उसके बिना? सलमान उसे पलकों पे रखेगा, हर वो चीज देगा जिसकी उसे जरूरत है। अब निकाह निशा में देरी नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती, मुफ्ती, thank you.
तुम इसे संभालो। टिकट। मैं पानी लेके आता हूँ, यहीं बैठो। मजा मेरी बेगम वहां बैठी, ध्यान रखना मैं दौड़ गया। अच्छा हेलो, व्हाट डेट इज इट टुडे नूर? टाइम लग रहा है थोड़ा कि ना, मैं कर रहा हूं। ऑक्शन 3 दिन बाद है, शो मी समथिंग। मैं फोन करूंगा जब कुछ होगा दिखाने को। नूर, इट्स वन ऑफ दिल्ली's टॉप आर्ट इवेंट्स। Why don't you answer it? बीमार को दवा मिल जाएगी। कब से गुर्रा रहा है? फजूल बातें ना करें। Just help me out. ये फंस गई है। फंस गई है कि गया है? क्या बात है मिनिस्टर साहब? जलन की बू आ रही है। यकीनन। Just look at you. भला की खूबसूरत लग रही हैं आप। किसी का तो दिल जल रहा होगा। शुक्रिया जनाब, कॉम्प्लीमेंट दिया भी तो इतना घुमा फिरा के। अब बाकी की शाम भी ध्यान दे, सब इंतजार कर रहे हैं। आपने मुल्क तो बांट लिया लेकिन जबान, रिवाज, दस्तूर, इनको कैसे अलग करेंगे? दिल के तार जुड़े हैं जनाब। पर वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे के घर आए, एक दूसरे की दिल से मेहमान नवाजी करें। हम आपके प्याज खाएं और आप हमारी गजलें सुनिए। ऐसे ही कारवां बनता चला जाएगा। और एक आखिरी दरख्वास्त, 25 साल हो गए शारजा को, अब खुदा के लिए जावेद मियादाद को माफ करें। अबू, अरे शेख साहब, काफी चमक रहे हैं आप। लगता है हिंदुस्तान काफी रास आ गया आपको। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। हजरत, हजरत ये ज्यादती है, आप आई नहीं?
हम पार्लियामेंट बंद करके यहाँ बैठे हैं और आप हैं कि और कितनी बार ना उम्मीद करेंगी आप? थोड़ी सी अजूरी हमें भी करनी दी होती है। सलमान, मेहमान तो आप हैं, आप आइए हमारे यहाँ। जी हजूरी तो हम फरमाएंगे। हजरत, बातों में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। बहरहाल आप नहीं तो आपकी अमानत ही सही। परी लग रही है हमारी फिरदौस, अब निकाह निशान में देरी नहीं होनी चाहिए। Three crores in the center of the room with a gentleman. We have Shazia Sikandar's The World Is Yours, The World Is Mine at 3 crores. Fair warning, if we're all done, I will sell and sold. May I have your party number, sir? Thank you. Slow down. We're up next. And now, ladies and gentlemen, moving on to our next lot, lot number 21, is by a new upcoming Indian artist. His name is Noor Nizami, and the artwork is titled Scar Tissue. I will open the bidding at 17 lakhs. 17 lakhs, ladies and gentlemen. Do I have any bids at 17 lakhs? 17 lakhs. Fair warning, 18 lakhs. We have 18 lakhs on my left. We're at 18 lakhs, ladies and gentlemen. Any more at 18 lakhs? Fair warning, I will sell and sold to the gentleman on my left at 18 lakhs. That brings us to the end of our auction, ladies and gentlemen. Thank you all so much for your generosity. And now I would like to introduce our next act for the evening. We have a performance by a duet. ऐसा क्या हो गया फिरदौस? बात नहीं करनी कुछ? कर चुकी जो करनी थी ना। प्यार करता हूं मैं तुमसे। Don't be childish, Noor. You hardly know me. हमें ऐसे ही मिलना था और इतनी ही देर के लिए। Let's just be grateful for what we had. ये कोई बख्शीश है जो तुमने बांट दी? प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम्हें समझ में नहीं आता? पर मैं नहीं करती नूर, नहीं कर सकती मैं ऐसा प्यार। क्या चाहते हो तुम? ये सब छोड़ दूं मैं, तुम्हारे साथ वापस शिकारे में चले जाऊं, फिर क्या होगा? सोचा है तुमने? कुछ भी सोचा है तुमने? Too much, Noor. दो दिन में मेरी सगाई है, बिलाल मुझे खुश रखेंगे। We've been friends for years. We understand each other.
and I can't let a stupid mistake ruin this. But प्यार, प्यार फिरदौस, पैसा ये सब कुछ है. तुम जानती हो कि कोई तुम्हें मेरे जैसा प्यार नहीं कर सकता. नहीं चाहिए मुझे इतना पागलपन नूर. और बात पैसे की नहीं है. शादी तो दर्जों में होती है. Families are involved. तुम नहीं समझोगे. अपने प्यार के सिवा तुम कुछ नहीं समझोगे. क्यों अपने आप से झूठ बोल रही हो फिर तो? मुझे जाना होगा. छोड़ उसको. Which part of this don't you understand? It's not like she lied to you. I know, ये लोग ऐसे ही है. घूम फिर के बेगम की ही बेटी है वो. किसी की सगे नहीं है ये लोग. निकल जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा. इन सब चक्करों से निकल एंड डोंट स्क्रू अप योर करियर. चल! तू आया दोस्ती ने भाई, मैं कभी नहीं भूलूंगा. अब अपने घर जा और नसीहत मत बांट. उसको अपने घर में डाल. जन्नू में गया तू और तेरी लीना और मेरा फ्यूचर. बाय. ड्रिंक दे. दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. Such a bright child. Gone. समझा देना चाहिए था उसे. आदमी को जानवर की हद तक लाना जरूरी है. आज से पहले जो हुआ, हमें उसे खरीदने का कोई शौक नहीं. लेकिन आपके आने वाले कल पर हमारा पूरा हक होना चाहिए. है कि नहीं? जमी, जमानत होगी तेरी. जाओ और इसको भी लेके जाओ. दो दिन से यहीं बैठा हुआ है. पागलों का खानदान. घर चलते झुंझीजू. कर लिया मैंने जो करना था. ये ले, पी जा. दिमाग को थोड़ा आराम दे. सब कुछ खत्म कर दिया मैंने. पागल हो गया था मैं.
सिर्फ मैं और मेरी आलीशान मोहब्बत। माफ कर दो मुझे जूनजी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी की अमानत है, बच्चे की तरह संभाल के रखी है हमने। दिल्ली में जो हुआ उसे भूल जा फिरदौस, वो खेल अब खत्म हुआ। अब तुम किसी की अमानत बनने जा रहे हो। क्या करूंगी मैं अमानत बनके? गली में टंगी रहूंगी जिंदगी भर। दीवानी मत बन फिरदौस, तू जानती नहीं तो क्या कह रही है। जानती हूं, जो सही है वही करना चाहिए मुझे। पता है, सब पता है, बचपन से सुनती आ रही हूं, पर मन नहीं मान रहा, सब झूठ लग रहा है। बताओ ना अम्मी, क्या करूं? ऐसे घबरा मत गुड़िया, ये उम्र ही ऐसी होती है। मैं भी तेरी तरह जज्बात में कैद हो गई थी। क्या मिला मुझे बता? तुझे मेरी जिंदगी जीनी है फिरदौस। जरूरी तो नहीं है जो आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी वही हो। हाँ, जरूरी तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी तुम्हारे साथ आज तक बुरा हुआ क्या है? तुम तो हो ही बड़ी किस्मत वाली, वरना एक लावारिस बच्ची महलों की शान कैसे बनती? बताओ। ये बार बार जताना जरूरी है? जरूरी है फिरदौस। मुझे लगा था खुदा ने किसी खास मकसद से तुमको भेजा है मेरे पास, सबसे बचा के रखूं तुम्हें। खास थी तुम, तुम खास हो गुड़िया। इश्क पे लुटने के लिए नहीं बनी हो। इस महल को अब एक आदमी की जरूरत है, एक नाम की, एक रुतबे की। और वो खोई हुई शान अब तुम लौटाओगे। दोबारा सड़क पर नहीं पहुंच सकते अब, ना तुम ना हम। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बिलाल आते ही होंगे। खुश रहो तुम दोनों। नरगिस खाला, ये चम्मच चम्मच छोड़िए, हाथ से खाइए। नहीं होगी यार। अरे ये क्या? अरे भाई कलीम, कुछ दवा खिलाइए या फिर इतने साल हो गए, अब तक उन्हें बुला नहीं पाए। बेटे जी, इश्क पर कभी किसी का बस चला है? जो बेसबब ही नहीं हुआ वो क्या जिया क्या मरा?
ये तो बस खुदा की बरकत है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये और भी गाढ़ा होता जाता है। पाक, हसीन, खुबरू, अब ये मेरी किस्मत समझो कि जो वक्त चला गया दिल उसी को ढूंढता रहता है, वही फूलों वाली खुशबू वाले थे। लंदन मेरा आखिरी मौका है। तू चलेगा, अकेले इतनी हिम्मत नहीं हो रही। आरिफ, क्या पुशअप्स करूं तेरे लिए? Give me 50 right now. For your exhibition. We have the outdoor space for your exhibition. I hope it's inspiring enough. This and come back and take. Sure. Thanks. Congratulations. We made it to the London timeline. This is center stage. London, isn't it? You know, there's something very interesting about him, the way he thinks, the way he articulates his expression. What could be macabre for one could be freedom for someone else. अनजान शहर में आके मिलना पड़ रहा है तुमसे। जागीरदार ने बताया तो हमसे रहा नहीं गया।
फिरदौस ने फूल भेजे हैं तुम्हारे लिए। कारीगर तो तुम थे ही, अब जाके कलाकार बने। वजन आ गया है तुम्हारे काम में, माशाल्लाह नूर। क्या दिल टूटा है तुम्हारा, सब कुछ तो निकाल के बाहर रख दिया, अंदर सब खाली हो गया होगा ना, नंगा लग रहा होगा। नूर फिरदौस, हम आए ये कुछ नहीं। अंदर जाओ नूर, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बाकी सब भूल जाओ। बेगम खाना, निजामी आर्टिस्ट फनकार, घबराओ मत, जागीरदार ने मुझे भेजा है, आओ तुम्हें घर छोड़ता। नहीं, मुझे अकेले रहना। अकेले तो हम सभी हैं, कम हैव अ ड्रिंक विद मी। आइए हजूर, लंदन की सबसे बेहतरीन कावा पिलाते हैं आपको, आइए। नूर निजामी, 4 फुट का लड़का जो दल पर शिकारा चलाया करता था, आज देखो, आर्ट वर्ल्ड का नामचीन सितारा। भले मिले। खुदा कसम, तुझे पढ़कर खा जाऊंगा। आजकल लोग मुझे मिर्जा बेग के नाम से जानते हैं। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जागीरदार। हाँ, जागीरदार को मैंने तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारा आर्ट स्कॉलरशिप तुम्हारे सामने खड़ा है, IIC दिल्ली, द गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, द एग्जीबिशन एट द अमान। The Freedom Series. तुम्हारे सारे शो स्टॉपर्स सब उठा लिए मैंने, रातों रात है डबल डे प्राइस। झूठ। दिल्ली में जो हुआ उसके बाद बड़ी मुश्किल से लंदन के ऑर्गेनाइजर्स को एग्जीबिशन के लिए राजी किया। दो बेटे थे मेरे तुम्हारी उम्र के, खा गया मेरा जिहाद ने, ना साथी मिले मुझे और ना बात। देखते देखते वतन बदला, दिन रात मेहनत की, ये सब खड़ा किया,
पर मुल्क से दूर वो लड़का नहीं बुला पाया जो घर से भाग के मेरे लिए फिरन लाया था। उस फिरन की याद ने कई रातों को मुझे गर्म रखा। आज जब लोग गैलरी में तुम्हारे कसीदे पढ़ रहे थे तुम्हें पता नहीं कि मुझे किस हद तक खुशी हो रही थी। नूर मेरे बच्चे हमने कर दिखाया। हमने ये सब तो तुम्हारे बारे में हूं। मुझसे कभी पूछा किसी ने मुझे क्या चाहिए? खफा मत हो नूर, कम से कम आज के दिन में, आज के दिन मेरी नजर में मेरी कीमत 2 कौड़ी की नहीं छोड़ी तुमने। आज के दिन मुझे ये नहीं पता कि मैं हूं कौन, कुछ हो भी कि नहीं, क्यों किया ये सब, किसने कहा था करने को, आगे खुदा बन के थूकता हूं मैं तुम पे और तुम्हारी खैरात पे। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। कितना भी भागना चाहे आपका माजी आपको नहीं भूलता, साए की तरह चिपका रहता है। अब आप इस रियासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू। बिस्मिल्लाह। बुरा या भला नहीं क्या कमजोर था तो मैं वही शिकारा चलाने वाला 4 फुट का नूरा। फिर दोस्त के काबिल बनना है तो कुछ बन के दिखाओ। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, एक साजिश। क्यों झूठ बोला था मुझसे? क्यों कहा था कि फिरदौस को हासिल करना है तो बड़ा आदमी बनो? क्यों मुझ पे सारी जिंदगी जताया कि आप मुझे उसके काबिल बना रही है? तुम्हें जो सोचना था तुमने सोचा। हमने तुमसे कभी कोई वादे नहीं किए। तुम्हारे ख्याल हमेशा से ही जरूरत से ज्यादा रफ्तार से चलते हैं। मेरे ख्याल और आपने जो किया वो कुछ नहीं, खेल था आपके लिए मेरा दिल। मैं जाके चौसर खेला उस पर। और फिरदौस, उसके बारे में तो सोचते नाम मत लो उसका। तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गए थे हम, भैया था वही बदसलूक अंदाज। मैं जानती थी कि मौका मिला नहीं और तुम अपना फन मारोगे। और इस बार नहीं मुफ्ती, हमने फिरदौस का दिल अपनी तिजोरी में कैद करके रखा है। बेशकीमती है वो, तुम जैसो की नजर भी नहीं पड़ सकते उस पे। क्या होने वाला है उसका बिलाल के साथ? तोड़ दिया ना। हाँ, और अब तुम अपना टूटा दिल लेके बैठे रहो, जोड़ते रहो उसके हिस्से। क्यों धोखा दिया हमें बोलो? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? अब तुम्हें पता चलेगा मुफ्ती कि दिल टूटता है तो कैसे लगता है,
कैसे चलती हुई जिंदगी सन करके रुक जाती, अब तुम्हें पता चलेगा। नहीं अबू, नहीं अबू, नहीं, 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 नहीं अबू, नहीं, मेरा बच्चा मर जाएगा अबू, अबू मेरा बच्चा मर जाएगा अबू, नहीं, नहीं अबू, नहीं अबू, नहीं अबू, नहीं, मेरा बच्चा मर जाएगा अबू। तुम्हारी बीवी ने दम तोड़ दिया। अगर मेरी किस्मत में सिर्फ खाक लिखा है, मुझे कबूल है। अगर यही मेरी आखिरी आह है, मुझे कबूल है।
कबूल है, कबूल है, कबूल है। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Beti, एक्सीडेंट जान, इतना मत कोसो अपने आप को। वक्त लगेगा पर भूलने की कोशिश करेंगे। रस्म पूरी करके इस्लामाबाद चलते हैं। नूर आया था अम्मी से मिलने, मुझे मिलना है उसे। नूर, मुझे मिलना है उसे। अम्मी खाक हो गई, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं लोग और तुम्हें अभी तक होश नहीं आया। फिरदौस, मैंने कहा था ना कि इसके आगे नहीं, बस कहा था कि नहीं। वही गलती मत करो जो तुम्हारी अम्मी ने की थी। मैं अपना बाप नहीं हूं जो जिंदगी भर सर झुकाकर इश्क फरमाता रहूं। दम टूट जाता है पर पीछा नहीं छूटता। प्यार, प्यार भी अजीब जानवर है। चाबुक तान दो, फूका मार दो, जिंदा गाड़ दो, पर कंबख्त बाज नहीं आता। एक बस सीने में दिल चाहिए, आप पूरी कायनात से लड़ पड़ोगे। एक ताना हकीम ने कहा था, खुदा की बरकत है मोहब्बत। मोहब्बत करो तो टूट के, बिना खौफ के, बिना शर्म के, बिना सोच के। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मत नहीं।